भोले मल्हार राव नहीं समझ पाए गौतमा की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो मल्हार राव होलकर गौतमा से बात कर रहे हैं और गौतमा को बता रहे हैं धनाजी सरदार के बारे में और ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने समझ ली है बात, उनको पता चल गया है। पहले उनको समझ में नहीं आया था तो अब उनको समझ में आ गया है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। यहां पे गौतमा कहती है कि अगर उनको इतना ही राइट रॉन्ग समझ में आता है तो वो इस पॉइंट को उठाते ही क्यों, आपके खिलाफ जाते ही क्यों। तो मल्हार राव होलकर भोले वाले हैं, भोले के भगत भी हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और अपनी बात कह के वो लेट जाते सो जाते हैं। मगर गौतमा के मन में चल रही है वही बात। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मल्हार राव होलकर तो भोले वाले हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि एक ईमानदार शासक है। जब तक उनके सामने आती नहीं है किसी की बुराई तब तक वो उसको बुरा नहीं समझते हैं, जो धनाजी सरदार के साथ हुआ है। मगर समझदार बहुत हैं, उनको पता है कैसे चीजों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। तो गौतमा का एंगल डिफरेंट है, वो एंगल भी गलत नहीं है धनाजी सरदार को लेके कि अगर उनको इतना ही पता था तो उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं की, उन्होंने पहले क्यों नहीं समझ लिया, इतने समझदार थे तो आपको एक एग्जाम्पल से इतना सब सुनने के बाद समझाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इन दो बातों में सिर्फ एक ही बात समझ में आती है दोस्तों कि जो मल्हार राव होलकर कर रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है और जो गौतमा ने सवाल उठाया वो भी अपनी जगह पे सही है। क्योंकि मल्हार राव होलकर तब तक धनाजी सरदार को देखते रहेंगे अपने रिश्ते के तौर पे, अपने दोस्त के तौर पे, मित्र के तौर पे, जब तक धनाजी सरदार सामने से वार नहीं करते हैं। पीठ पीछे उन्होंने बहुत वार किए हैं और मल्हार राव होलकर को कभी कभी उनपे शक भी हुआ है, मगर उनकी मित्रता का इतना ज्यादा उन्होंने अपने ऊपर रखा हुआ है कि मेरे मित्र है, मेरे मित्र है, ये नहीं कर सकते, उसी की वजह से उन्होंने कभी उस शक को हवा नहीं दी है, उस डाउट को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। क्योंकि अगर वो उस डाउट को अपने माइंड में हावी होने देते तो फिर बहुत कुछ गलत हो जाता। तो इसीलिए वो आज भी ये बात कहते हैं कि उनको पहले पता नहीं था, जब समझाया तो वो समझ गए। तो मेरे हिसाब से तो मल्हार राव होलकर ने भोले होने के साथ साथ एक ये भी एग्जाम्पल सेट की है कि जब वक्त आएगा तब सारी बातें करेंगे गौतमा। अभी तो वक्त यही है कि वो समझ गए हैं, इसलिए बात को यहीं पे खत्म करते हैं और साथ में वो गौतमा को और ज्यादा आगे बता देते हैं कि कैसे आगे भी उन्होंने रिश्ते को और ज्यादा संभालने की बात की है। यहां मल्हार राव होलकर गौतमा को ये भी समझाते हैं और बहुत सही समझाया उन्होंने कि द्वारका भी मां है, उसका हक बनता है अपनी बेटी के बारे में सोचना। एक तरह से कहना यही था कि जैसे तुम्हारा हक बनता है खंडेराव के बारे में सोचना। तो बहुत ही समझदारी के साथ उन्होंने अपनी बातें कही है दोस्तों। गौतमा अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी मगर कर नहीं पाई क्योंकि मल्हार राव होलकर के तर्क इतने ईमानदार थे, इतने सच्चे थे कि उनको लगा कि अब मैं अगर कुछ कहूंगी तो मैं ही बुरी दिखूंगी। क्योंकि होता है ना कि जब एक बंदा आपसे ऐसे तर्क कर रहा है जिसमें सच्चाई है और अगर आप उसको बोलते हो कि ऐसी राजनीति कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, मेरे खंडेराव को दीजिए, आपने क्यों किया, तो वो क्यों समझेंगे। वो तो उन सबको भी माफ कर रहे हैं जिनके सच्चाई उनके सामने अभी तक आई नहीं है। तो ये तो था एक भोले मल्हार राव का एक बड़ा स्टेप जो उन्होंने कहा और उसमें बहुत बढ़िया वाली सच्चाई थी कि जब तक कोई आपके सामने नहीं आ जाता है तब तक आप उसको अपने तरीके से जज मत कीजिए या सुनी सुनाई बातों से जज मत कीजिए। तो ये मल्हार राव होलकर ने हमें समझा दिया। क्या कहते हो आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.